नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आज हमारे खास मेहमान हैं कैलिफोर्निया पहुंचे कैलाश खेर जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में परफॉर्म करने वाले हैं। स्वागत है आपका कैलाश जी आज तक में। तो सबसे पहले ये बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सैन होसे वाले कार्यक्रम में आपका परफॉर्मेंस होगा, ये प्लान कैसे बना? ये प्लान ऐसे बना कि 2 महीने पहले यहाँ के कुछ गणमान्य लोगों का हमको कॉल आई और उसके बाद ये पता किया कि हमारी डेट अवेलेबल है क्या। तो क्योंकि हम यहाँ इस वेन्यू पे भी मैं गा चुका हूँ अपने बैंड कैलासा के साथ ही लास्ट टू लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर हमने सैन होजे में दूसरे वेन्यू पे भी गाया था शैबो कॉलेज में। तो हम यहाँ ऑलमोस्ट हर साल तो गाते ही रहते हैं और ये हमारे लिए एक ऐसा है कि जैसे क्रमशः एक चीज़ बनी हुई है। अब डेट्स पूछते हैं ज़्यादातर लोग, हम उनसे ज़्यादा जानकारियाँ कुछ पूछते नहीं हैं, हमारी एजेंसी बाकी की चीज़ें करती है। शो की ये शुरुआत होने के 1 महीने बाद मुझे पता लगा कि द इवेंट इज़ द कम्युनिटी रिसेप्शन फॉर PM नरेंद्र मोदी जी, तब मुझे समझ आया वाह मैन इट्स गोइंग टू बी रियली गुड। क्योंकि एक तो जोशीला एक हमारे यहाँ का नेतृत्व करने वाला एक ऐसा देश को नेतृत्व जिसको बहुत ही गहरा, जो पहली बार मेरी नज़रों में एक ऐसा मतलब कमाल की एनर्जी वाला इंसान आया है उस गद्दी पर, वरना ज़्यादातर बुझे हुए चिराग जैसे टाइप की एनर्जी होती थी। और आज तक ये पता ही नहीं था, यूथ को स्पेशली ये नहीं पड़ी थी कि जाने भी कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री। तो आई लाइक हिज एनर्जी। मोदी जी में आप क्या गुण और क्या खामियां देखते हैं? मुझे खामियां तो नहीं पता और खामियों को मैं देखता भी नहीं हूँ, वो तो संसार देखता है या देखना उसका जो जिसका जो काम है, जिसको जो देखना है वो देखे। लेकिन आई लाइक हिज एनर्जी, आई लाइक हिज पॉजिटिव एटीट्यूड, आई लाइक हिज यू नो कैंपेन्स अबाउट स्वच्छ भारत। आप स्वच्छ भारत के एम्बेसडर भी हैं? जी, मुझे उन्होंने नॉमिनेट भी किया। स्वच्छ भारत का आपने एंथम भी एक लिखा है? मैंने प्रसून जोशी ने लिखा है, मैंने गाया है वो, और एक और भी लिखा जा रहा है अभी, प्रसून जोशी ही लिख रहे हैं, शंकर महादेवन उसको संगीतबद्ध कर रहे हैं, उसमें भी हमने गाया है। तो आप एम्बेसडर ही हैं क्योंकि आप को नॉमिनेट भी किया गया था PM द्वारा, या कुछ करते भी हैं असल जिंदगी में इस एम्बेसडरशिप के लायक बनने के लिए? हाँ हाँ करते हैं, तभी तो बने। कुछ ऐसे फालतू में तो बना नहीं जा सकता ना, अगर आप कायदे के इंसान हैं तो आप लाद नहीं सकते फालतू की 12 के 10 कर दे पर नाम दरोगा धर दे, उससे तो जीवन चलेगा भी नहीं राहुल। तो मैंने जब मेरा नॉमिनेशन हुआ, मैं तो इससे पहले ही जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारी अवेयरनेस की बातें करता रहता हूँ मैं। मेरा अभी कॉन्सर्ट का भी आप देखेंगे लाइव म्यूजिक का पूरा बैंड जब हमारा होता है कैलासा, तो मैं सिर्फ गाता नहीं हूँ, मैं कम्युनिकेट करता हूँ लोगों के साथ, इंटरेक्ट करता हूँ और उसमें बातें करता हूँ, और बातों के साथ साथ बहुत ही प्रेम से ये भी बताता हूँ मैं जिस भी शहर में होता हूँ कि उस शहर में क्या क्या चीज़ें हैं जो बदलनी चाहिए। जब से मैं आया हूँ मुझे क्या अच्छा लगा आपके शहर में और क्या ऐसा है जो और अच्छा हो सकता है। तो ये इन बातों के लिए भी हम जाने जाते हैं ख़ास। तो जब मेरा नॉमिनेशन हुआ तब तो मैं और खुश हुआ, मुझे इस बात की खुशी मिली कि हे मेरे दाता, इस देश में आँखें सबके पास हैं पर विज़न बहुत कम लोगों के पास हैं, पर पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री मेरे देश को देशवासियों ने दिया और परमात्मा ने दिया जो थोड़ा जिंदा जैसा लगता है, पहले जिंदा इंसान है उसके बाद थोड़ा सा कर्मठ टाइप की एनर्जी है, लगता है कि जब बोल रहा है तो नदी की तरह बोल रहा है, ऐसे सोच सोच के नहीं बोल रहा क्योंकि जो वो गणितबाज जो होते हैं वो बहुत सोचते हैं, फिर वो अटक अटक के उनको डिप्लोमेटिक अंदाज में कुछ बोलना पड़ता है। तो उस बात को समझने के लिए ऐसे दोहरी एक व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले बहुत लोग आते हैं जिनको हम अंग्रेजी में डिप्लोमेटिक वर्ड देके बता देते हैं, लेकिन इनकी जो एनर्जी है वो अनवरत एनर्जी है। जब इन्होंने स्वच्छ भारत कैंपेन का जिक्र किया तो वो आम आदमी को छूने वाली बातें लगती हैं, क्योंकि हमारे पास 60-70 साल की आज़ादी के बाद भी यदि हमें आज तक ये बताया जा रहा हो कि भैया साफ रह लो, थोड़ा अपना ध्यान रख लो, क्योंकि लड़ने के लिए भी आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा, आलोचक होने के लिए भी आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा, ये तो कोई ना धर्म की बात है, ना कोई मजहब की बात है, ना कोई राजनीति की बात, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। इस कॉमन सी बात को किसी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहा जाना मेरे लिए ख्वाब से परे था ये, क्योंकि इससे पहले कभी देश के हित की कोई बात हमने सुनी ही नहीं।
जब भी कभी कुछ सुना भी किसी नेता के कोई भाषण, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था जिसको कॉमनली सब लोग पहले से बोल देते हैं, अरे यार फालतू की बात। तो वो जो एक श्रद्धा आना किसी की बात को सोचकर कि हाँ जो ये बोल रहे हैं इसमें कुछ बात में दम है या जन्म। अच्छा, आपने अन्ना हजारे के लिए गाना लिखा अंबर तक यही नाद गूंजेगा, तो आपने पीएम मोदी के लिए भी कुछ लिखा है खास? नहीं, हमने क्योंकि स्वच्छ भारत एंथम गाया हमने, फिर हमने अभी एक ये फीमेल इन्फ्यूटिसाइड के लिए भी एक गाना मैंने गाया था जो वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के उसमें आता है। और ये भी आपने लिखा था? नहीं लिखा नहीं, हमने गाया है ये भी। और इस तरह की जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो थोड़ा देश से और सोशल रिफॉर्म से कनेक्टेड। अच्छा लगता है आपको इस तरीके का? हाँ, मैं बावला हो जाता हूँ, अच्छा ही नहीं लगता, ये मेरा नशा है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं मुझे अपनी कल्चर, अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, इन सब से बहुत ही लगाव है। अब जैसे हम हैं तो यहाँ अमेरिका में, लेकिन एक पल भी मैं ऐसे कंट्रियों से, ऐसे शहरों से कुछ ज़्यादा प्रभावित नहीं होता जितना पूरी दुनिया बावली हुई पड़ी है ऐसी नामों से। वी आर इन सैन अक्लारा, यू नो, सैन होजे, तो ऐसी सब चीज़ों से मैं इतना नहीं, ठीक है ये भी हैं बेचारे, बस बेचारे हैं। हाँ, मैं इनको ये मानता हूँ ये भी हैं। अच्छा, क्योंकि ये प्लास्टिक में हैं बेचारे, प्लास्टिक में। हाँ, हम लोग अभी भी ऑर्गेनिक में हैं और हमारे ऑर्गेनिक की अभी भी ये लोग बेचारे अपना जीवन, अगर अपनी सांसों की प्रैक्टिस करने आए हैं ये, तो अभी भी हिमालय याद आता है इनको, योग याद आता है और ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल याद आता है इनको, आयुर्वेद याद आता है। आपको अच्छा लगता है कि पीएम इतना योग को, आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने की कोशिश? मुझे तो लगता है जैसे भारत का नया जन्म हुआ है भाई, पुनर्जन्म जैसे भारत का ही हो गया। वरना हिंदी, जब भी मैं सोचता था मेरे देश में, जब भी हमारे, क्योंकि मैं आज की जनरेशन का मनुष्य हूँ और मैं सब लोगों से जब इंटरेक्ट करता था, तो जब भी आप ऐसे, मैं यूथ से जब भी मिलता हूँ, अर्बन यूथ से स्पेशली, जो बोलते थे राहुल कि ओ माय हिंदी इज़ नॉट दैट गुड, यू नो, तो उसको वो दैट गुड ना होने को वो कूल मानते हैं, लेकिन कभी किसी ने ऐसे नहीं बोला कि ओ माय इंग्लिश इज़ नॉट दैट गुड, यू नो। अब शर्मिंदगी होती अगर हिंदी नहीं आती तो? अब थोड़ा सा लग रहा, अब ऐसा लग रहा है जैसे ओ नहीं, इट्स अ शेम मैन इफ़ वी डोंट नो हिंदी। तो ये जो छोटी छोटी बातों के बदलाव जो हैं, इनके जो असर आएगा, इनका असर थोड़े दिन बाद आएगा, लेकिन आज बीज बो दिए गए हैं, तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। वरना हमारी अपनी कल्चर ही नहीं समझ आ रही थी कि है कौन कल्चर हमारी। मतलब दादाजी और बाबा जी जो हैं वो भारतीयता में डूबे पड़े हैं पापा जी तक, और जो यंग जनरेशन है वो यहाँ आ गए गलती से स्टडी करने, MBA वो यहीं के हो गए, तो उनको मान लीजिए यहीं का कोई समझ आ गया, उधर टांका भिड़ा, यहीं अटक गए, अब मम्मी पापा वहीं रह गए। अब अलग, जब भी अब यहाँ से कोई जा रहे हैं तो वो गेस्ट की तरह जा रहे हैं, या मॉम या डैड। तो इतना डिफरेंस आ गया था, इतना कंफ्यूज आ गए थे संसार में जनरेशंस के लोग। अब यहाँ बैठ के हिंदी देखिए ना, आयरलैंड में कितना रोमांचकारी एक दृश्य स्थापित किया ये न्यूज़। मैं अपने जहाज में, जब हम एरोप्लेन में थे, तब हमने एक जगह हमारा वाईफाई कनेक्ट हुआ ट्रांजिट में, तब हमको ये पता लगा कि आयरलैंड में संस्कृत पढ़ाई जा रही थी। और इससे हिंदुस्तान का भी नाम रोशन हो रहा है दुनिया में। वेर एवर मोदी जी इज गोइंग राहुल, ही इज टेकिंग द कल्चर ऑल्सो फॉरवर्ड। नन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और एनी ऑफ अ सुप्रीम लीडर ऑफ अवर कंट्री हैज टेकन अवर कल्चर अब्रॉड विद प्राइड, विद यू नो दिस कमांड दैट यस वी हैव दिस, कम ऑन विजिट अस। हमारे देश की करेंसी तलक की इज्जत नहीं है कहीं। आप सोचिए, हम वी आर दी 1/6 ऑफ द वर्ल्ड मैन। मतलब आप सोचिए, अगर हम हट जाएं वर्ल्ड से तो वर्ल्ड का एक छठा हिस्सा गायब हो जाए पृथ्वी से। सोचिए, वी आर द पीपल यू नो विच वी आर सेल्फ क्लेम्स टू बी टू ग्रेट अबाउट थिंग्स एंड ऑल, लेकिन उसको मेंटेन करने वाला कोई, सस्टेन करने वाला उसको कोई, टेकिंग फॉरवर्ड करने वाला कोई है ही नहीं। आपने अब तक कुल मिला के 1000 से ज्यादा गाने गाए हैं लगभग? हाँ, 700-800 गाने तो हो गए हैं। से कौन सा गाना है जो आपके हिसाब से पीएम पे सबसे ज्यादा फिट बैठता है? मुझे लगता है जुनूनी गाना सबसे, क्योंकि हमें ये बंदा एक जुनूनी बंदा लगता है,
और इनको मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ कि इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है। तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हो जी हाँ हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। दीवाने कहेंगे अपने आप को मोदी के? हाँ, मैं हर ऐसे शख्स का दीवाना हूँ जो इस देश के लिए, इस संस्कृति के लिए और हमारे कल्चर के लिए, हमारे बदलाव के लिए, हमारे बेटरमेंट के लिए सचमुच संवेदनशील होकर सोचे। और मोदी जी को मैं बहुत गहरा इंसान और आत्मा मानता हूँ, जो इतना सारा क्रिटिसिज्म, मतलब वही लोग जो पहले उसी गद्दी पे बैठे थे, अब वो बेशक दूसरी गद्दी पे बैठ के अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, विपक्ष का या पक्ष का, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, वट एवर इज़ बेटर फॉर द कंट्री, एटलीस्ट बेसिक चीज़ें लोगों की, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद भी हमें यूज़ करना नहीं आता, इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कैसे करें। तो हमारा उस जगह पे कॉमन पीपल को इन्वॉल्व करना, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को इन्वॉल्व करना, आर्ट के लोगों को, स्पोर्ट्स के लोगों को, सबको, कि भैया सब जुड़ो, सबका कर्तव्य है। उन जगह की जो सोच है, हालांकि अन्ना हजारे नहीं रहे, लेकिन अभी भी मोदी जी जो करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर फिट बैठती है? 100% बैठती है सर। इसीलिए ये किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं है, ये बेटरमेंट का ही गाना है। मैंने बोल अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी मूवमेंट गुनगुना के याद दिला दी हमें। आओ मिलके साथ में, आज के हालात में लाने हैं नए उजाले, बेहोशी की आदत के, झूठ की इबादत के, आंखों से हटाओ जाले। हो अब जागो तो सब जागो, अब जागो तो सब जागो, अंबर तक यही नाद गूंजेगा, अंबर तक यही नाद गूंजेगा। मोदी यहाँ सैन होसे आ रहे हैं, आपने यहाँ पे कैलिफोर्निया में कई दफा परफॉर्म किया, आपके हिसाब से क्या वो लेसन्स हैं जो कि हिंदुस्तान को यहाँ से उठा के अपने आप में समाने की कोशिश करनी चाहिए? यहाँ से देखिए, यहाँ से ये लेसन लेके जाने चाहिए, एक तो सड़कें यहाँ की देखिए आप, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, बहुत कम यहाँ हॉर्न सुनेंगे, जबकि ट्रैफिक यहाँ भी है, ट्रैफिक जैम यहाँ भी लगता है, लेकिन यहाँ के ट्रैफिक जैम में जिगजैग वाला कोई आपको करता हुआ दिखेगा नहीं और हॉर्न नहीं बजाता। दूसरे ये भी नहीं कि तू भी रानी मैं भी रानी वाले एटीट्यूड से कोई ड्राइव कर रहा हो। हमारे देश में एक साथ बहुत गाड़ियाँ आ गई हैं पिछले 10 वर्षों में, दुनिया बदल गई है, लेकिन हुआ क्या है कि दिल्ली में सड़कें भी बड़ी हो गई हैं, चौड़ी हो गई सब कुछ, लेकिन जो भी गाड़ी लेके निकलता है राहुल, ऐसा लगता है जैसे वो तोप लेके निकला है और भून देगा, अब दुश्मन है सारे सड़कों पे, तो कोई भी मुस्काता हुआ रिलैक्स्ड माइंड मुस्कुराते रहते हैं, यहाँ रिलैक्स्ड हैं, बड़े प्यार से सुहाना है। हाँ, मौसम भी अपने आप सुहाना हो जाता है। देखिए, मौसम खुद बदल जाते हैं यदि आपकी नीयत ही अच्छी हो, आपकी नीयत सही हो तो नियति अपने आप स्थिति बदल देती है राहुल। तो हमको ये सीखने की सख्त ज़रूरत है। हो क्या रहा है जैसे कि हमें चीज़ें तो मिल गई हैं, नई नई तरक्की मिल गई है, लेकिन कैसे भुगतें उसको, वो सेंसिबिलिटी नहीं मिली अभी, तो वो काश आ जाए। और उसमें धीरे धीरे अब बदलाव आने प्रारंभ हुए हैं, अब दूसरी जो यंग जनरेशन है वो सब मैसेज दे रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो अपने आप को विच्छेदित कर रहे हैं। चलिए कैलाश जी, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, और आपके कॉन्सर्ट के, आपके परफॉर्मेंस के लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं, आपने वक्त दिया इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। बहुत खूब, थैंक यू सो मच। अब आप बोल दीजिए कि ये थे।